Hello friends, today we are going to start our first lecture on ethics. This lecture would be beneficial for both MPPSC mains and UPSC mains. This is the first lecture in which we will talk about basics of ethics. The rest of the topics which are mentioned in your syllabus would be covered in the next videos. So today we will cover only the basic terms of ethics. So let's start. सबसे पहले we will see what is value. Value किसे कहते हैं? आप लाइफ में आपने जिस चीज़ को प्रेफरेंस दी होगी या तो इम्पोर्टेंस दी होगी उसे हम वैल्यूज़ कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंस और प्रेफरेंस आप देते कैसे हैं ये डिपेंड करता है आपके वैल्यू एजुकेशन पर। वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि आपको एक प्रोसेस है जिसमें लोग मोरल वैल्यूज़ देते हैं लोगों को, अदर्स को। और इसमें भी मोरल वैल्यूज़ दी कैसे जाती है ये डिपेंड करता है आपके सोशलाइजेशन पर। सोशलाइजेशन मतलब आप जब जन्मे होंगे आप एक फैमिली में रहे होंगे वहाँ से आपने कुछ वैल्यूज़ लर्न की होगी, उसके बाद आप स्कूल गए होंगे वहाँ से आपने कुछ वैल्यूज़ लर्न की होगी, देन आप अपने फ्रेंड से मिलोगे वहाँ से कुछ वैल्यूज़ लर्न की होगी, अब अपने आइडल से, बुक से, सोशल मीडिया वगैरह से आपने बहुत सी वैल्यूज़ लर्न की है। तो इसी लर्निंग और आपने इससे कुछ प्रेफरेंस देने लगे कि ये हमारे लिए महत्व रखती है उसे हम वैल्यूज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं ऑनेस्टी एक वैल्यू है, काइंडनेस वैल्यू है, बहुत सी अदर्स भी वैल्यू जैसे पीस एट्सेट्रा। नेक्स्ट एक टर्म दिया हुआ है यहाँ पर साइंस, जिसको हम आगे कंपेयर करेंगे वैल्यूज से। सो साइंस क्या होता है? देखिए लाइफ में जो चीज़ रैशनल हो, दैट इज जो थिंग प्रूवन हो, उसे हम साइंस कहते हैं। और साइंस हमको बताती है क्या चीज़ ट्रू है या क्या चीज़ फॉल्स है। ऑलवेज रिमेंबर साइंस इज रैशनल एंड इट इज़ यूनिवर्सल ऑल ओवर प्लेस। नेक्स्ट अगर हम टर्म देखते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आता है मोरालिटी। मोरालिटी से पहले मैं आपको बता दूँ ये वैल्यू जो है ये हमें हेल्प करती है, जिस तरह आपकी वैल्यूज होगी उस तरह आप डिसीजंस लेते हैं। सो लाइफ में हमें डिसीजंस लेने में वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है मोरालिटी। देखिए यहाँ पर लोग मोरालिटी और एथिक्स में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली मैं आज आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ मोरालिटी और एथिक्स में डिफरेंस क्या है। हमेशा याद रखिए आप लाइफ में अगर आप जो आपने वैल्यूज लर्न की है उसके हिसाब से आपका आप किसी चीज़ को गुड या बैड बोल सकते हैं, मतलब ये चीज़ अच्छी है या बुरी है आपके लिए। हो सकता है आप उसको सही या गलत बोल सकते हैं, ये आपकी खुद की सोच है, मतलब इंडिविजुअल की ओरिएंटेशन है किसी भी चीज़ के लिए सही या गलत होना या गुड और बैड होना या जस्ट या अनजस्ट होना, ये आपकी थिंकिंग है सोसाइटी की नहीं, इसे हम मोरालिटी कहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर इंडिविजुअल ओरिएंटेशन इज नोन एज मोरालिटी टूवर्ड्स एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक आता है जिसको हम एथिक्स कहते हैं। एथिक्स क्या है? बिल्कुल मोरालिटी की तरह है, इसमें डिफरेंस बस इतना है वहाँ इंडिविजुअल की सोच थी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि ये सही है या गलत है, बट यहाँ सोसाइटी की सोच है कि वो चीज़ सही है या गलत है। सो एथिक्स इज नोन एज सोसाइटल ओरिएंटेशन टूवर्ड्स जजिंग एनीथिंग दैट इज राइट और रॉन्ग बाय द सोसाइटी। ऑलवेज रिमेंबर एथिक्स जो है वो एक तरीके से सोसाइटी का मिरर है। तो हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एथिक्स और मोरालिटी का। जैसे हमारे यहाँ सेक्शन 377 है जिसकी वजह से LGBT के लिए है, लेस्बियन गे सेक्शुअल बाय जेंडर के लिए है। इसमें आप देखोगे कि कुछ लोग मानते हैं LGBT क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, ये आपकी खुद की इंटरनल सोच हो सकती है, मेरी सोच हो सकती है, तो ये मेरी मोरालिटी हुई। बट अगर सोसाइटी की ये सोच नहीं है कि नहीं LGBT शुड बी क्रिमिनल, तो देखिए LGBT सेक्शन 377 के अंदर क्रिमिनल है। तो सोसाइटी का सोचना अलग हो सकता है, आपका सोचना अलग हो सकता है, बट अगर हम लोग बहुत से लोग मिलकर अगर एक तरह से सोचे तो सोसाइटी की भी सोच हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सोसाइटी की मोरालिटी अगर डिसाइड करे, मतलब सोसाइटी में अगर लोग एक जैसा सोच रहे हैं तो उसको हम एथिक्स कह सकते हैं बिल्कुल। और अगर इंडिविजुअल एथिक्स की बात करें, मतलब अगर कोई व्यक्ति की इंडिविजुअल एथिक्स को हम मोरालिटी कह सकते हैं। छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, एथिक्स और मोरालिटी के बीच में। ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट हम आगे टॉपिक बढ़ते हैं, इनमें एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, वैल्यूज एथिक्स मोरालिटी और इससे लॉ में क्या डिफरेंस है। देखिए आपने लाइफ में किसी ना किसी आपने कुछ ना कुछ वैल्यूज लर्न की होगी, वो सोशलाइजेशन के थ्रू डेवलप हुई होगी और वही वैल्यूज के वजह से आपकी खुद की एक सोच बनी है, मतलब आपका एक ओरिएंटेशन है टूवर्ड्स एनीथिंग, तो वो आपकी मोरालिटी हो गई। और जब बहुत से लोगों की एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हो जाती है किसी एक चीज पे, तो वही चीज
सोसाइटी के लिए एथिक्स कहलाती है क्योंकि सबकी एक जैसी सोच हो गई है और उसी को देखते हुए हमारी सरकार कानून बनाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो आपको क्लियर कर देगा इन तीनों चारों में डिफरेंस। देखिए, लेट अस सपोज हमारी एक वैल्यू है जिसको हम ऑनेस्टी कहते हैं। ये ऑनेस्टी वैल्यू हमने सीखी है या हमने लर्न की है थ्रू सोशलाइजेशन। उसकी वजह से कभी भी हमें डिसऑनेस्ट चीज दिखती है तो हम उसको हेट करने लगते हैं। ये मेरी खुद की मोरालिटी है। और अगर सोसाइटी की बात करें तो हो सकता है करप्शन जो है वो सोसाइटी में बैड के रूप में जाना जाता है, मतलब करप्शन गलत चीज है। तो देखिए, एथिक्स के हिसाब से कोई व्यक्ति करप्शन करता है तो वो गलत है। तो ये सोसाइटी का ओरिएंटेशन हुआ और इसी को देखते हुए सरकार ने करप्शन पे कानून बना रखे, बहुत से कानून बना रखे। तो दैट इज नोन एज लॉ। मतलब वैल्यू विल लीड टू मोरालिटीज, मोरालिटी ग्रुप ऑफ मोरालिटी विल लीड टू एथिक्स, एंड एथिक्स विल फाइनली प्रेशर द गवर्नमेंट टू मेक अ लॉ अगेंस्ट दिस। देखिए, एक बात ये भी याद रखिएगा, मोरालिटी और एथिक्स आपस में क्लैश भी कर सकती है, मतलब कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है दोनों के बीच में। और कन्फ्लिक्ट कैसे आएगा, हमेशा याद रखिएगा, कन्फ्लिक्ट आ सकता है। देखिए, कन्फ्लिक्ट इसमें कैसे आ सकता है, अगर हम सेक्शन 377 का दोबारा एग्जांपल लें तो वही मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप सोचते हो सेक्शन 377 जिसपे अपराध है एलजीबीटी का एक साथ रहना, उस पर अपराध है, तो ये आपकी मोरालिटी हो सकती है कि एलजीबीटी को क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए। बट देखिए, सोसाइटी का ये सोचना है कि वो क्रिमिनल होने चाहिए, इसलिए एथिक्स के हिसाब से एलजीबीटी शुड बी क्रिमिनल। तो देखिए, कन्फ्लिक्ट आ सकता है इसके बीच में, तो ये इस कुड बी अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वैल्यूज, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उनकी कुछ वैल्यूज में उनका नेचर क्या होता है वैल्यूज का। देखिए, वैल्यूज किस प्रकार की है, देखिए कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो कि यूनिवर्सल होती है, मतलब वो हर जगह पाई जाती हैं, वो एटर्नल है, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, ब्रदरहुड फीलिंग, देन पीस, नॉन वायलेंस, ये कुछ यूनिवर्सल या एटर्नल वैल्यूज हो सकती हैं। बट कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, मतलब सोसाइटी स्पेसिफिक होती है, या तो चेंज हो सकती है समय के साथ, टाइम के साथ, या प्लेस के साथ, या तो आप कह सकते हो सर्कमस्टांसेस के साथ। जैसे कि सोसाइटी की स्पेसिफिक अगर हम डिफरेंस दें तो आप देख सकते हो नागालैंड और मध्य प्रदेश का अगर हम एग्जांपल लें तो अर्बन बॉडीज में आप डिफरेंस देख सकते हो। नागालैंड में वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में अर्बन बॉडीज में वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम पेट्रियार्की एज अ वैल्यू लें, पेट्रियार्की एक वैल्यू लें, तो वहां पर कुछ ज्यादा प्रिवलेंट है, मतलब नागालैंड में लोग पेट्रियार्की को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, मेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट मध्य प्रदेश में देखिए इक्वालिटी की बात हो रही है, मतलब वुमेन्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है। तो देख सकते हो सोसाइटी के हिसाब से वैल्यू चेंज हो रही है, मध्य प्रदेश और नागालैंड का एग्जांपल लें। यस, टाइम के साथ भी चेंज होती है, जैसे सती, पहले सती अलाउड था देश में, फिर आप देख सकते हो राजा राम मोहन के समय में 1829 में सती को बैन कर दिया गया। तो समय के साथ कुछ प्रथाएं, कुछ वैल्यूज हो सकता है खत्म हो जाए। प्लेस के हिसाब से भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, हम खाप पंचायत का एग्जांपल ले लीजिए, खाप पंचायत के डिसीजंस जनरली हरियाणा जैसे गांवों के शहरों में माने जाते हैं, बट मध्य प्रदेश जैसी जगह पर खाप पंचायत का कोई रोल नहीं है। तो देख सकते हैं वैल्यूज, देखिए प्लेस के हिसाब से फिर डिफर कर गई। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बात करें तो यस, जैसे आप किसी का खून करते हैं या तो आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो वो गलत चीज है ना, वो एक गलत वैल्यू है जो आपने लर्न की है। बट अगर आप मारते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस तो वो गलत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मानना सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज हो गया। तो वैल्यूज भी अगर हम देखें तो दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिवर्सल एंड इटर्नल, जो कभी चेंज नहीं होती हैं कहीं पर भी, ऐसी वैल्यूज बहुत कम हैं जैसे कि पीस है, नॉन वायलेंस है, ब्रदरहुड है, और कुछ वैल्यूज होती हैं जो सोसाइटी स्पेसिफिक या तो समय, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज होती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है, सम पीपल थिंक दैट वैल्यूज आर यूनिवर्सल। बिल्कुल सही बात है, कुछ वैल्यूज है जो यूनिवर्सल है और कुछ लोगों का ये सोचा, वेयर एज फ्यू अदर्स थिंक्स दैट वैल्यूज आर पर्टिकुलर इन नेचर। पर्टिकुलर नेचर मीन्स दे आर कल्चर स्पेसिफिक, दे चेंज विद टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही बात है। सो इवैल्यूएट द स्टेटमेंट एंड गिव योर ओपिनियन। सो यू हैव टू राइट कि यूनिवर्सल और इटर्नल वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे कि ब्रदरहुड, केयरिंग एटसेट्रा, और आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा, येस देर सर्टन वैल्यूज विच चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। आई थिंक ये बहुत क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगा कि अपन को करना क्या है। लेट्स मूव अदर टॉपिक।
देखिए आगे हम देखते हैं, आप वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज में कन्फ्लिक्ट भी आता है। वैल्यू कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? देखिए लाइफ में आपने बहुत सी वैल्यूज लर्न की है, उनके बीच में क्लैश भी आ सकते हैं, तो इस क्लैश को ही, इस टकराव को ही हम वैल्यू कन्फ्लिक्ट कहते हैं। मतलब इट मीन्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू वैल्यूज। अभी टू वैल्यूज क्या हो सकती हैं? कोई भी दो वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर कुछ लोग जेंडर इक्वालिटी, मध्य प्रदेश जेंडर इक्वालिटी को बिलीव करता है, तो नागालैंड पैट्रियार्की को बिलीव करता है, तो ये दो वैल्यूज आपस में क्लैश हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग मेरिट को मानते हो, कुछ लोग इक्विटी को प्रेफरेंस देते हैं। इक्विटी मींस रिजर्वेशन की ओर बात कर रहे हैं हम, मेरिट मींस मेरिट स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हो सकता है आप इस पर भी क्लैश हो सकता है दो लोगों का। फिर अगर हम बात करें, कुछ लोग अपने रीजन को बहुत बिलीव करते हैं और कुछ हो सकता है नेशन को बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। देखिए यहां पर भी क्लैश है, कुछ लोग रीजनल पॉलिटिक्स को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ लोग नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो अगेन देयर कुड बी अ क्लैश। कुछ लोग धर्म को, रिलीजन को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग रीजन को मानते हैं। रीजन मतलब रैशनैलिटी, हर चीज का रीजन होना चाहिए। तो देखिए यहां पर देखिए दो वैल्यूज क्लैश हो रही हैं, किसी का रिलीजन, किसी का रैशनल, किसी का रीजनल, किसी का नेशनलिज्म, तो ऐसे वैल्यूज क्लैश होती हैं। कुछ लोग कलेक्टिविज्म को मानते हैं, कलेक्टिविज्म मतलब ग्रुप ऑफ लोगों की राइट्स को मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं इंडिविजुअल राइट्स आर इंपॉर्टेंट। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज का क्लैश होता है। और देखिए जब भी वैल्यूज का क्लैश हुआ है तो इससे दो इंपैक्ट हो सकते हैं, हमेशा रिमेंबर, एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। देखिए नेगेटिव इंपैक्ट तो बहुत आसान है, अगर पैट्रियार्की और जेंडर इक्वालिटी के अगर एक ही जगह पर डिबेट हो जाए तो ऑफकोर्स इट लीड्स टू राइट सिचुएशन, इस पर लोग लड़ सकते हैं, ठीक है। इससे कास्ट वायलेंस भी हो सकता है, अगर मेरिट और इक्विटी पे लड़ाई हो जाए तो इस पर कास्ट वायलेंस हो सकता है, एक कास्ट के लोग कहेंगे मेरिट होना चाहिए, दूसरे कास्ट के लोग कहेंगे नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। यहां तक कि मॉब वायलेंस भी हो सकता है, मतलब लोगों का उत्पात करना, तो मॉब वायलेंस भी एक नेगेटिव फैक्टर है इसमें। देन वी कैन सी कि एनवायरमेंट डिबेट भी आजकल इसी पे चला हुआ है कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इस पे डिबेट हो सकता है। लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, जैसे आप देखिए जब भी दो वैल्यू क्लैश होती तो एक नया ट्रुथ सोसाइटी को पता चलता है। जैसे एग्जांपल आज की में जो 377 सेक्शन पे डिबेट चल रहा है, इससे एक नई वैल्यूज ओरिजिनेट हो रही है कि यस दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यस एक नया सोसाइटी को ट्रुथ पता चल रहा है कि वैल्यू कन्फ्लिक्ट होने की वजह से एक नई वैल्यूज निकली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊं तो देखिए एनवायरमेंट और डेवलपमेंट आपस में जब भिड़े तो एक नया वैल्यू निकला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आज चीज में वो डेवलप हो रहा है। तो यस वैल्यू कन्फ्लिक्ट लीड टू सम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑल्सो, ठीक है। और हम एक बात हमेशा याद रखिए, वैल्यूज कन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल पॉसिबल है इंडिया में, क्योंकि आपको पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहां पर वैल्यूज जो हैं वो कन्फ्लिक्ट होना जरूरी है और वो होंगी, क्योंकि दे आर इनएविटेबल बिकॉज कंट्री बहुत डाइवर्स है, सबकी सोच अलग अलग होंगी। तो डिपेंड यहां पर क्या कहता है, हम किस तरह इन वैल्यू कन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज इमर हाउ यू मैनेज दिस कन्फ्लिक्ट विल लीड टू हाउ यू डील विथ वैल्यू कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू एक्सट्रीमिज्म। देखिए व्हाट इज वैल्यू एक्सट्रीमिज्म, ऑलवेज रिमेंबर, देखिए अगर दो वैल्यूज आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, अगर हम किसी एक वैल्यू को हटाना चाहते हैं, मतलब अगर हम किसी को एक वैल्यू को हटा दें और सिर्फ एक वैल्यू को ही फॉलो करें, उसे कहते हैं वैल्यू एक्सट्रीमिज्म, या उसका दूसरा नाम है फंडामेंटलिज्म। तो मतलब आप अगर दूसरी वैल्यू को हटा देंगे, मतलब सोसाइटी को किस तरह करना चाह रहे हैं, आप होमोजीनियस बनाना चाह रहे हैं, मतलब सोसाइटी सिर्फ एक ही वैल्यू को जाने, तो ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत नेगेटिव वर्ड है वैल्यू एक्सट्रीमिज्म। ध्यान रखिए इट इज़ अ वेरी नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोरल पुलिसिंग की, इससे पहले हम एक चीज़ देख लें, व्हाट इज विजिलेंटे ग्रुप। देखिए विजिलेंटे ग्रुप क्या होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं जो अपने आप को सेल्फ अपॉइंट कर लेते हैं, है ना, और वो लोग सिटीजन्स ही होते हैं देश के, जो अपने खुद से ही लॉ एनफोर्समेंट को अपने हाथ में ले लेते हैं, जो खुद एक लीगल अथॉरिटी नहीं है बट खुद से ही कहते हैं हम लॉ को एनफोर्स कराएंगे। जैसे आपने बजरंग दल को देखा होगा कि बजरंग दल वैलेंटाइन डे के दिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो कि उसके हाथ में नहीं है, बट वो कोशिश करता है कि सोसाइटी में सोसाइटी मोरल हो, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें गलत हैं। तो ध्यान रखें वो सेल्फ अपॉइंटेड लोग रहते हैं, उनको कोई अपॉइंट नहीं करता है, जो लॉ एनफोर्समेंट की चीज़ें हाथ में ले लेते हैं और जो कि लीगल अथॉरिटी होते नहीं है, उन्हें हम कहते हैं विजिलेंटे ग्रुप, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है लीगल एजेंसीज जो हैं वो इनएडुकेट है और हमें ही सारे काम करने हैं। फॉर एग्जांपल ये बहुत इशू चला था लिंचिंग बाय मॉब ऑन द इशू ऑफ काउ। लिंचिंग का मतलब होता है हत्या करना। देखिए लिंचिंग, मॉब ने कुछ लोगों को लिंच डाउन किया, मतलब हत्या कर दी उनकी, इस बात पर कि वो गाय का मांस ले जा रहे थे, बट बाद में पता चला वो गाय का मांस नहीं था, लेकिन उन्होंने लिंच डाउन कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग गाय का मांस ले जा रहे हैं इसलिए इनको मार देना चाहिए, ऐसा वो लोग करते हैं मॉब। तो ऐसे ग्रुप्स को हम विजिलेंटे ग्रुप कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर
और अगर ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ये विजिलेंटे ग्रुप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो उनको लग रहा है लीगल अथॉरिटी नहीं कर पा रही, उन्हें करना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए एक वर्ड है जिसे हम मोरल पुलिसिंग कहते हैं। तो मोरल पुलिसिंग क्या है? मोरल पुलिसिंग कुछ नहीं, एक ब्लैंकेट टर्म है जिसको जो विजिलेंटे ग्रुप जो एक्ट करता है, ठीक है, और वो चाहता है सोसाइटी मोरालिटी आए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसको कहते हैं मोरल पुलिसिंग। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, पुलिस रिलेटेड नहीं है टर्म, ऑलवेज रिमेंबर विजिलेंटे ग्रुप एक नेगेटिव वर्ड है मोरल पुलिसिंग। जैसे कि बजरंग दल का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो एक मोरल पुलिसिंग करती है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए हैं जो हमने आज डिस्कस किए, जैसे कि वैल्यू क्या होती है, एक बेसिक डेफिनेशन मोरालिटी की, देन एथिक्स की, देन हमने एक वैल्यू के नेचर्स देखे कि नेचर ऑफ वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देन हम वी हैव मूव्ड आउट वैल्यू कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कैसे वैल्यू कन्फ्लिक्ट करती है, देन वी हैव मूव्ड आउट विथ वैल्यू एक्सट्रीमिज्म, और लास्ट में हमने एक टर्म देखा विजिलेंटे ग्रुप और किस तरह विजिलेंटे ग्रुप मोरल पुलिसिंग देश में कर रहा है। अब ये सब टॉपिक हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम एक प्रॉपर वीडियोस में लेक्चर वन में इंट्रोड्यूस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो एटीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।